नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास है और ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो पुणे में अपना पहला घर ढूंढ रहे हैं। ये जो अपार्टमेंट है ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसका कारपेट एरिया है 298। एंट्री करते ही सबसे पहले आप देख सकते हैं राइट साइड में है ये एल शेप्ड किचन, एल शेप्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सिंक दिया गया है, रेफ्रिजरेटर के लिए भी स्पेस है, अवन भी आ सकता है उसके लिए भी प्रोविजन है स्पेस का। और ये कुछ इन्होंने बनाया हुआ है इस तरह से, ये लैडर जैसा दिख रहा है, ऊपर में है एक बेड सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने एक स्पेस का यूटिलाइजेशन करते हुए ऊपर विंडो भी दिया गया है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए। आप चाहे तो ऊपर शेल्फ्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा जो स्लैब था उसको इन्होंने उस पर एक मैट्रेस डाल दिया। ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम की फिनिशिंग भी काफी अच्छी है। ड्राई और वेट एरिया दोनों अलग अलग है। अब आ गए दोस्तों हम लोग लिविंग रूम में। यहाँ पर देख सकते हैं सोफा कम बेड यहाँ पे लगा हुआ है, टीवी है, स्टडी टेबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे सिट आउट स्पेस है जो कि आउटसाइड में, मतलब आपको एक टेरेस दिया गया है सिट आउट एरिया। तीन से चार चेयर यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हैं, छोटा टेबल भी लगा सकते हैं। वॉल गार्डन के लिए भी, उस पर आपको वॉल मिल रहा है तो वॉल गार्डन भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लिविंग रूम सिर्फ इतना नहीं है, अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक्सटेंड हो जाता है। और ये रहा आपका बेडरूम भी यहाँ पर है, अगर आप इसको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं या तो फिर पूरा इस रूम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं लिविंग रूम की तरह। अब देखिए ये रूम कितना बड़ा हो गया। ये या तो एक मास्टर बेडरूम हो सकता है या फिर एक स्पेशियस लिविंग हो सकता है। यहाँ पर भी सोफा कम बेड लगा हुआ है, एक वार्डरोब लगा हुआ है, तो दो बेड्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो बेड्स को अकोमोडेट किया है। स्पेस का यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़िया है, विंडोज़ भी है, वेंटिलेशन भी है काफ़ी। तो दोस्तों 17 लाख में ये आपको ये प्रॉपर्टी मिल रहा है जो कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। कैसी लगी आपको ये प्रॉपर्टी आप ज़रूर बताइए। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ देखने के लिए और प्रॉपर्टीज़ के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।